कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद, जय जिनेन्द्र, अठवीह कम मुके अठ गुणे अनुपमे सिद्धे अठम कुण विनि विठे लिठे कजेय वंदे मोणिचम, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुंद कुंद के कुंदन में आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचित ग्रंथों में जितने ग्रंथ वर्तमान में प्राप्य हैं उनमें से कुछ चुनी हुई गाथाएं लेकर ये ग्रंथ का संकलन किया गया है। आज हम इसमें क्या देखेंगे, आज हम तीन गाथाएं एक साथ करेंगे और उन तीन गाथाओं में क्या लिखा है कि कर्म बंध और सांख्य दर्शन क्या कहता है, और अगली ज्ञानशाला में हम ये बताएंगे कि कर्म बंध और जैन दर्शन क्या कहता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम देखते हैं कर्मबंध और सांख्य दर्शन। जीवेण स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमधिकम भावेण यदि पुगल दवमिणम अपरिणामी तदाहुदि। सांख्य दर्शन क्या मान्यता रखता है? सांख्य दर्शन की मान्यता है संसार में दो चीजें हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने पुद्गल द्रव्य आदि, दो चीज़ें। लेकिन सांख्य दर्शन ये मानता है कि दोनों शुद्ध हैं, इन दोनों में अशुद्धि कभी नहीं होती, जीव भी शुद्ध है और पुद्गल भी शुद्ध है। इस पर आचार्य ने तीन गाथाएं लिखी हैं। देखें, जीवे जीव में न संयम स्वयं बद्धम न बधा नहीं है, जीव में स्वयं नहीं बधा है, कौन? पुद्गल। और न संयम और न स्वयं ही कर्म भाव से परिणमन करता है, कौन? यदि पुद्गल दब्बमिणम, यदि यह पुद्गल द्रव्य जीव में ना तो स्वयं बधा है और ना स्वयं कर्म भाव से परिणमन करता है, तदा तब तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी होता है। आप कहते हैं कैसा है पुद्गल द्रव्य, ये जीव में नहीं बधा, पुद्गल अलग रहता है, जीव अलग, जीव शुद्ध, पुद्गल शुद्ध, और कर्म भाव से पुद्गल परिणमन भी नहीं करता। अब जब पुद्गल परिणमन नहीं करता कर्म भाव से, कौन परिणमन करता है? सांख्य दर्शन की चर्चा हो रही है ये क्या? फिर देखें, यदि यह पुद्गल द्रव्य
जीव में ना तो स्वयं बधा है और ना स्वयं कर्मभाव से परिणमन करता है, तब तो यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी होता है। अर्थात पुद्गल द्रव्य में ना तो बंध रूप हुआ, ना कर्म भाव हुआ, और जब कर्म भाव नहीं हुआ तो बंधा भी नहीं। इसलिए पुद्गल द्रव्य कैसा हुआ, अपरिणामी होता है। ये सांख्य दर्शन की मान्यता है। पंडित जी, जीव में पुद्गल नहीं बंधा है तो फिर जीव में संसारी पना कैसे? आचार्य ने इन तीन गाथाओं में सांख्य दर्शन की मान्यता बताई है, और वे खुद भी सुख कह रहे हैं कि यदि ऐसे माना जाएगा कि पुद्गल द्रव्य तो अपरिणामी है, तो जब पुद्गल द्रव्य परिणमन नहीं करता तो फिर संसारी अवस्था बनेगी कैसे? संसारी अवस्था नहीं बनेगी तो संसार क्या और मोक्ष क्या? अतः ये बात बनती नहीं, अर्थात सांख्य दर्शन घटित नहीं होता। यही तो बात बताने जा रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत जायज है। अगर पुद्गल द्रव्य स्वयं नहीं बधेगा जीव के साथ में, तो जीव में मलिनता आएगी कहाँ से? यही तो बताना है। पंडित जी, अगर पुद्गल द्रव्य कर्म भाव रूप परिणाम नहीं करेगा तो फिर कर्म कैसे बनेगा? आचार्य यही तो बता रहे हैं कि कर्म भाव रूप परिणमन पुद्गल ही तो करता है, पर सांख्यों की मान्यता है नहीं, पुद्गल द्रव्य जो है कर्म भाव रूप परिणमन नहीं करता, तो कर्म भाव रूप परिणमन फिर कौन सा द्रव्य करेगा? नहीं, ये बात नहीं घटेगी। अर्थात सांख्य दर्शन की मान्यता उचित प्रतीत नहीं होती, नहीं तो फिर संसार का सारा हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा। पंडित जी, सांख्य दर्शन के मुख्य मुख्य प्रणेता कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन के मुख्य प्रणेताओं में कुछ नाम बड़े प्रचलन में हैं, जैसे कपिल मुनि, जो कपिल है ना, उनके द्वारा सुनते हैं सांख्य दर्शन चलाया गया। वाचस्पति मिश्र, ये भी सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। आइए दूसरी गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 92। कमय अपरिणमन्ति सुकम्म भावेण संसारस्य भावो पसज्जदे शंख समोवा। कम्मय वग्गणासुय, अर्थात कर्म वर्गणाए अपरिणमन्ति सु, परिणमन नहीं करते हैं। कम्म भावेण, कर्म भाव से। सांख्य दर्शन क्या कहता है, कार्बन वर्गणाएँ जो होती हैं ये कर्म भाव से परिणमन नहीं करती। अगर ऐसा मानेंगे तो संसारस्य अभावो, तब तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। फिर ये बताओ कर्म रूप परिणमन कौन करेगा? इसका मतलब कर्म रूप परिणमन होता ही नहीं है। जब कर्म रूप परिणमन नहीं होता है तो आत्मा में अशुद्धि कैसे आएगी? तो क्या होगा, संसारस्य अभावो, तब तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। और इस तरह संख समो पसज्जदे वा, या सांख्य दर्शन का प्रसंग आ जाएगा। सांख्य दर्शन वाले क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष, पुरुष हमेशा शुद्ध रहता है, प्रकृति हमेशा शुद्ध रहती है। ना प्रकृति जीव को अशुद्ध करती है पुरुष को, ना पुरुष प्रकृति को अशुद्ध करता है, दोनों शुद्ध रहते हैं। अगर दोनों शुद्ध हैं तो संसार कैसे बनेगा? फिर देखें एक बार, कम्म वगणासुय, जो कार्मण वर्गणाएँ हैं ये कर्म भाव से अपरिणमन्ती सुपरिणमन नहीं करती हैं। सांख्य दर्शन अगर ऐसा मानेंगे तब संसारस्य अभावो, तब तो संसार का अभाव हो जाएगा, या सांख्य दर्शन का पसज्जदे प्रसंग प्राप्त होगा। ये मान्यता तो सांख्य दर्शन की है। अगर ये मान्यता रखी जाती है तो सांख्य दर्शन का प्रसंग आ जाएगा, जैन दर्शन का प्रसंग ऐसा है ही नहीं। ये मान्यता जैन दर्शन के अनुसार बैठती नहीं, अन्यथा संसार का ही अभाव हो जाएगा।
पंडित जी, यदि कामर वर्णनाएं कर्म रूप परिणाम नहीं करती हैं, तो फिर कौन करता है? कोई नहीं करता। कर्म रूप परिणमन करने की शक्ति और किस में आएगी? और अगर पुद्गल को तुम शुद्ध मानते हो तो पुद्गल कर्म वर्गणा रूप या कर्म रूप परिणमन कैसे करेगा? इसलिए ये बात घटती नहीं। इसीलिए आचार्य ने आगे स्वयं लिखा है, फिर तो भैया संसार का ही अभाव हो जाएगा। कार्मण वर्गणाएँ कर्म रूप परिणमन नहीं करेंगी, जब कर्म रूप परिणमन नहीं करेंगी तो आत्मा के साथ बंध को कौन प्राप्त होगा? अगर आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होगा तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगी। आप तो ये कहते हैं पुरुष हमेशा शुद्ध रहता है, अर्थात सांख्य दर्शन की जो बात है वो घटती नहीं हो रही है। और इसीलिए आचार्य लिख रहे हैं, अगर ऐसी मान्यता बनाई जाएगी संसारस्य अभावो, फिर तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए ये बात घटित नहीं होती। हमारे दर्शक कह रहे होंगे, आज की ये गाथाएं तो बड़ी अजब हो रही हैं। अजब नहीं हो रही हैं, आपको सांख्य दर्शन का परिचय कराया जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है आप बड़े भाग्यशाली हैं जो जैन दर्शन में हमने जन्म लिया और जैन दर्शन हमें सुनने पढ़ने को मिला है। देखिए आप दोनों दर्शन की मान्यताओं में कितना अंतर है। आइए तीसरी गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 93। जीवो परिणाम यदि ओगल दौवाणी कम भावेण ते स्वयं परिणमम तम कहम तु परिणाम यदि राणी। जीवो जीव परिणाम यदि परिणमन कराता है, पुद्गल दव्वाणि पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से, अर्थात पुद्गल स्वयं परिणमन नहीं करता, जीव उनको कर्म भाव से परिणमन कराता है। अगर ऐसा है तो हम प्रश्न करते हैं, ते स्वयं अपरिणमम तम, जो स्वयं परिणमन नहीं करता है उसको नाणी माने जीव कहम तु परिणाम यदि, परिणमन कैसे करा सकता है? नहीं करा सकता। अगर इस तरह मान लिया जाए कि पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से जीव परिणमन कराता है, तब तो फिर पुद्गल द्रव्य परिणमनशील हो गया, लेकिन सांख्य दर्शन की ऐसी मान्यता है ही नहीं, तो फिर कैसे करें? इसलिए इन्होंने कहा, ते स्वयं अपरिणमम तम, वे पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमन से रहित हैं, तब फिर उनको किस प्रकार ज्ञानी जीव परिणमन करा सकता है? नहीं करा सकता, अर्थात ये बात भी आपकी घटती नहीं। फिर देखें, जीव परिणामय दे परिणमन कराता है पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से, अगर ऐसी मान्यता मानेंगे तो वे पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमन नहीं करने वाले हैं अपरिणमंतम, तो ज्ञानी किस प्रकार उनको परिणमन करा सकता है? नहीं करा सकता। पंडित जी, जब पुद्गल द्रव्य परिणाम नहीं है तो कर्म कैसे बनेंगे? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, जब पुद्गल द्रव्य ने कर्म भाव रूप परिणमन नहीं किया तो कर्म बने कैसे? और दूसरी बात एक और भी है, आप तो ये मानते हैं सांख्य दर्शन वाले कि जो पुद्गल है ना वो शुद्ध है, परिणमन करता ही नहीं अन्य रूप से, जब वो परिणमन नहीं करेगा तो कर्म बनेंगे कैसे, और जब कर्म नहीं बनेंगे तो संसार और मोक्ष बनेगा कैसे? इसलिए तीनों गाथाओं में आचार्य ने बताया, सांख्य दर्शन की जो मान्यता प्रकृति और पुरुष वाली है वो घटती नहीं। सांख्य दर्शन जो मानता है प्रकृति और पुरुष रूप संसार है और वह त्रिकाल शुद्ध है, वो घटता ही नहीं, कैसे घटेगा? पंडित जी, तो फिर जैन दर्शन की मान्यता और सांख्य दर्शन की मान्यता में क्या अंतर हुआ? गाथा नंबर 91 में कहा गया, सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुद्गल द्रव्य जो है ना ये जीव से न स्वयं बंधा है न कर्म भाव से परिणमन करता है, वो परिणाम वो अपरिणामी है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? पुद्गल स्वयं जीव से बंधता है, पुद्गल स्वयं कर्म भाव से परिणमन करता है,
कैसे करता है, क्यों करता है? आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं तो पुद्गल की एक जाति है कर्म वर्गणा। वे कर्म वर्गणा उन परिणामों के अनुसार स्वयं परिणमन कर जाती है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य परिणमनशील है और वह तरह तरह के परिणमन करता है। उससे क्या होता है? आत्मा अशुद्ध बनी रहती है। इसलिए जो ये मान्यता है आत्मा त्रिकाल शुद्ध और पुद्गल त्रिकाल शुद्ध है, वो मान्यता घटित नहीं होती। जैन दर्शन की मान्यता स्पष्ट घटित होती है। पंडित जी, कर्म परिणाम रूप कौन परिणमन करता है? राग द्वेष आदि परिणामों के कारण जो कारण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य है वो ही कर्म भाव से परिणमन करता है और परिणमन करके आत्मा के साथ चिपक जाता है, आत्मा को अशुद्ध बना देता है। जो अशुद्ध आत्मा है वह संसार में रहता है और सारा संसार भ्रमण और सारा संसार उसी के द्वारा तो है। संसार में संसार भी है और संसार के अंत में मोक्ष भी है। जब वो किन्हीं परिणामों के द्वारा अपने में चुपके हुए पुद्गल वर्गणाओं को हटा देता है तब शुद्ध बनता है और शुद्ध बन जाता है तो फिर कभी अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता। पंडित जी, तो क्या जीव पुद्गल को जबरन कर्म भाव रूप परिणमन कराता है? गाथा नंबर 93 देखिए, ऐसा नहीं होता। जीव पुद्गल कार्बन वर्गणाओं को कर्म रूप जबरन परिणमन नहीं कराता। तो क्या होता है? जीव में राग द्वेष का निमित्त मिलने पर कार्मण वर्गणाएँ स्वयं कर्मरूप परिणमन करती हैं। कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन करना जैन दर्शन में आश्रव नाम से कहा जाता है और उनका आत्मा के साथ मिलकर एकमेक हो जाना इसको बंध कहा जाता है। इसी तरह संसार बनता है और जब वे कार्मण वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमन करके आत्मा से चिपक जाती हैं, जब तक वे आत्मा के साथ चुपकी रहती हैं आत्मा संसारी कहलाता है और जब तपश्चरण आदि के द्वारा उन वर्गणाओं को आत्मा से पृथक निर्जरित करके अलग कर दिया जाता है तो वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त होकर सिद्ध बन जाता है। पंडित जी, जैन धर्म के अनुसार जीव का और कर्म का क्या सिद्धांत है? जैन दर्शन 6 द्रव्य मानता है। जीव भी एक द्रव्य है और पुद्गल एक द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की जो वर्गणाएँ होती हैं, वर्गणा माने जो उनके वर्गों या अणुओं का समूह होता है, वो 23 प्रकार का होता है। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में एक भेद है कर्म वर्गणा। उस कर्म वर्गणा की ये विशेषता है, जीव में जब राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं तो वे कर्म वर्गणाएँ कर्म रूप बनकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। जीव उन्हें जबरन नहीं परिणमाता, ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्य निकला और कमल खिला, निमित्त निमित्तिक संबंध है, सूर्य ने जबरन नहीं खिलाया। उसी तरह आत्मा में राग द्वेषाद परिणाम हुए और इधर जो कार्मण वर्गणाएँ हैं वो कर्म रूप परिणमन कर गईं। जैसे आत्मा के परिणाम वैसे कर्मरूप परिणमन। जैन दर्शन तो कहता है अशुद्ध आत्मा तरह तरह के परिणमन करता रहता है और पुद्गल वर्गणाएँ जो कार्मण वर्गणाएँ हैं वो भी तरह तरह से बन के परिणमन करके आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं। ये संबंध निमित्त निमित्तिक संबंध है, लेकिन कितना ही संबंध रहो जीव कभी कर्म नहीं बनता, कर्म वर्गणाएँ कभी जीव नहीं बनती। पुद्गल पुद्गल रूप रहता है, जीव जीव रूप रहता है। इनमें आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध होने से इस तरह परिणमन होता है। पंडित जी, जीव के कर्म का बंधन कब से माना जाए? जीव के साथ कर्म का बंधन अनादि से है। अनादि मतलब इसका कोई बिगनिंग प्रारंभ नहीं हुआ। जब से जीव है संसार में तब से कर्म बंधन सहित है। जैन दर्शन के अनुसार ये सिद्धांत है, एक बार जीव द्रव्य शुद्ध हो जाए फिर अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता। अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता क्यों? क्योंकि जो शुद्ध जीव है उसमें राग द्वेष नहीं होते और जब उसमें राग द्वेष नहीं होते तो कार्मण वर्गणाएँ उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होती।
इस तरह एक बार जीव द्रव्य शुद्ध हो जाए तो अशुद्ध नहीं होता। तो जब से जीव है तब से कैसा है? अनादि से, कर्म बंधन से सहित है। हम देखते भी हैं, जैसे मान लो गेहूं पैदा हुआ, तो गेहूं का और भूसे का संबंध कब से है? शुरू से ही है। पेड़ में बादाम लगा, तो बादाम में छिलका और ऊपर का कड़ा वाला छिलका कब से है? ये बिगनिंग, प्रारंभ से ही है, बाद में नहीं लगता। पहले बादाम लगे और छिलका बाद में लगे। उसी तरह यह आत्मा जब से है तब से कर्म बंधन सहित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कभी कर्म बंधन से रहित तो हो गया होता ना, तो दोबारा कर्म बंधन होने का प्रसंग ही नहीं आता। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार ये जीव का और कर्म का अनादि बंध है, और कब तक रहेगा? जब तक के आत्मा प्रतिबुद्ध नहीं हो जाएगा और रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये संबंध बना रहेगा। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा, शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट किया और शुद्ध बन जाएगा। ऐसी अनंतानंत आत्माएं शुद्ध अवस्था में आज ऊपर लोक के अंत में विराजमान हैं, जिनको हम सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद,